गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन संचिता। कैसे हैं आप सब? क्या माना चेंज हो भाई? आई होप यू ऑल आर गुड एंड स्टेइंग सेफ। दोज वन न्यू टू माय चैनल, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए और मैंने आने वाले वीडियोज़ को भी वॉच करने के लिए नोटिफिकेशन हिट द बेल आइकन। और आज का वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ, जबकि मेरे को डेली ब्लॉगिंग करना है, डेली ब्लॉगर हूँ मैं। और आज हो गए हैं आई गेस 5 or 6 डेज आफ्टर मैं वीडियो बना रही हूँ। उसका रीज़न सिर्फ वन एंड ओनली है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। देखो मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की बात बता रही हूँ। ऑलमोस्ट जो भी दिल्ली के बहुत ज़्यादा दूर इलाके हैं, जैसे कि मेनली बेसिकली कोलकाता, मुंबई, केरला, इन सब जगहों पर तो बहुत बारिश हो रही है। गर्मी भी है और बारिश भी होती है, ठीक है, दिन में एक बार। दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओ माय गॉड, यहाँ पे एसी में भी चैन नहीं आ रहा गाइस, एसी भी वर्क नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं यार एसी चलाया था अभी तक, कमरा ठंडा क्यों नहीं हुआ? और कमरे से बाहर निकल के देखो तो फिर ऐसा लग रहा किसी ने गला ही घोट दिया, दम घुट रहा है। मीन्स यार गर्मी ने तो इस बार हद पार कर रखी है, इस बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है गाइस, और कुछ भी नहीं कर सकते। घर में ये हाल है तो बाहर तो जाने का कोई सीन ही नहीं है। एंड मैं बार बार सोचती हूँ कि बाहर जाऊँ, कुछ व्लॉग बनाऊँ अच्छा सा। आशीष गुस्सा करते हैं कि आप घर में ही बना दो, घर में ही बना दो, लेकिन घर में भी ना तबीयत अभी ठीक नहीं है, क्योंकि ना कहते हैं ना हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो गाइस इतनी गर्मी है, किचन में भी जाती हूँ ना ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ बना लूँ, जबकि मैं कभी भी एक चीज़ नहीं खाया है मैंने। मतलब अगर मेरे को खाना भी खाना है, लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, मेरे को बहुत ज़्यादा वैरायटी। ब्रेकफास्ट तो फिर भी मैं स्किप कर देती हूँ या फिर एक ही मील ले लेती हूँ, लेकिन लंच और डिनर मेरे को वैरायटी चाहिए। एटलीस्ट मेरे को 3-4 सब्जियाँ चाहिए तभी मैं खा सकती हूँ। लेकिन इतनी गर्मी है ना गाइस, मैं किचन में जाती मैं सोचती हूँ एक ही चीज़ बना दूँ। और मम्मी जब जाती है, मम्मी कहती है देख आज मैं अगर मैं वेज पुलाव बना रही हूँ, सब कुछ डाल के बना देती हूँ या खिचड़ी बना देती हूँ, खा लेगी। तो यार गाइज मैं कभी खाती भी नहीं थी, मैं हाँ बोल देती हूँ कि हाँ मम्मा आप बना दो, क्योंकि यार मेरे को जाना ना पड़े। आप लोग हंसेंगे गाइज, लेकिन यार ऐसा हो रहा है क्योंकि इतनी गर्मी है। वैरायटी गई बाढ़ में, मेरी टेस्ट बर्ड्स गया वो बाय बाय तेल लेने, लेकिन यार मेरे को अभी नहीं 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 प्लीज़, इतनी गर्मी में इतनी देर तक मैं किचन में नहीं रह सकती, इसलिए जो मिल रहा है खा लो गाइज। आपको मैं वो वाली वीडियोस भी नहीं दिखा रही हूँ कि मैं कुछ रेसिपी बना रही हूँ या कुछ। गर्मी है यार, वो अवॉइड करना है थोड़ा सा, ये बता रही हूँ क्योंकि ना गर्मी में ऐसा लगता है कि ना सर में ना कुछ हो रखा है। ना पास आओगे गाइज, लेकिन आप यू कैन ऑल्सो रिलेट टू मी, आप रिलेट बिल्कुल कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि ना एसी की आदत पड़ी हुई है। तो अगर एसी के बाहर, रूम के बाहर भी जाओ ना, ऐसा लगता है कि ना सर पे कुछ हो रहा है, एकदम कस के पकड़ रहा, किसी ने बांध रखा, क्योंकि यार हेडेक हो रहा है गर्मी गर्मी की वजह से, इतनी सफोकेशन। और पानी से ज़्यादा फेस वॉश करो, या पूरा दिन अगर पानी वानी वानी ट्वाइस अ डे अगर आप बात भी ले रहे हो ना, नहा भी रहे हो, तब भी आपको जुकाम हो गई, सर्दी होगी ही, क्योंकि ये ऐसी गर्मी है इसमें तबीयत ख़राब होने के 101% चांसेस हैं। तो मैं तो ये अपनी बात बता रही हूँ, आप भी रिलेट कर सकते हैं मेरे से। और मैं आज का दिन ऐसे ही स्टार्ट कर रही हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल, आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आपको कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पूरे दिन में दिखाती रहूँगी, देखते रहिए। और आज देखिए हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, हमारी जो फ्रूटी है उसको वैक्सीनेशन लगवाने जाऊँगी। अब यही चेक कर रही हूँ बार बार कि बाहर कैसा वेदर है, थोड़ा सा डाउन हो टेम्परेचर, थोड़ा सा डाउन हो। अगर इतनी सारी जगहों में, सिटीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में अगर बारिश हो रही है, तो मैं ऑफकोर्स इतना तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा तो वेदर क्लाउडी हो जाए, गर्मी चाहे इतनी रहे, बारिश ना हो बट क्लाउडी तो उससे ना थोड़ी राहत मिलती है। आज मैं वैक्सीनेशन के लिए भी ले जाऊँगी फ्रूटी को, बहुत टाइम हो गया था और उसके ना टीथ सारे ना फॉल हो रहे हैं, मतलब एक बार टूटते हैं फिर आते हैं ना, जैसे बच्चों के आते हैं, तो वो भी तो अभी बच्चा ही है, अभी 5 मंथ्स में एंटर करा है उसने। तो आज मेरे को बहुत ही ज़रूरी लेके जाना है उसको, क्योंकि ना पहले भी एक लगवा चुकी हूँ और बीच में एक ना स्किप हो गया उसका, तो डॉक्टर से बात हुई थी जिनसे लगवाती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं क्या पता आज ही लाओ श्योरली, और क्या पता वो जो आपने एक लगवाया था स्टार्टिंग में वो भी लैप्स हो गया हो, क्योंकि आपने बीच में एक स्किप कर दिया, तो इनका ना कोर्स होता है, तो आप फटाफट लेके आओ। तो क्या है ये? लेमन।
ऑरेंज क्या बनाए? अरे टेंगे पियो ना, बढ़िया मस्त बनाया एकदम नींबू पानी के साथ। ठीक है देखो इसे ताजगी पहुंचेगी, गर्मी बहुत हो रही है ना इसलिए मैंने सोचा कि आज बना के पिलाऊं सबको। सच में यार बहुत गर्मी हो रही है, आप रिलेट कर सकते हो है ना, कमेंट में करना कि कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे भी गर्मी हो रही है कि नहीं। तो बहुत अच्छा बना दिया आपने पहली बार। अरे हमारे हाथों की कला नहीं जानते आप, हम तो लस्सी भी बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ ये लस्सी तो बहुत अच्छी बनाते हैं। चलो टैंग अच्छा बनाए, मैं पीती हूँ अभी पूरा। आपसे मिलती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है? तो सुई लग जाएगी बेटू के, वही वही गलेगा, वही वही यहाँ पे लगी, बल पे बल पे। देखो सारे इसके टीथ ना नीचे के तो सारे ही टूट गए, गिर गए, क्योंकि छोटे छोटे होते ना गिर गए। लो खाओ खाओ खाओ, पोपलो हो गया पोपला, दिख रहा है आपको? पता नहीं दिखाएगी कि नहीं, देखिए टीथ ही नहीं है इसके। हाँ और मेरा मैंगू आया, ये तो मेरा मैंगू एकदम आती है कि फ्रूटी के क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा कूटू पो रही है कूटू, है ना मेरा बेटू। सुई लगेगी फ्रूटी की, सुई सुई लग जाएगी आज, है ना 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 है ना। हाँ मेरा बेटू ये देख रहा है मम्मा किससे बातें कर रही है, किससे बातें कर रही मम्मा ना। और मेरा बेटा, चलिए गाइज आपको थोड़ी थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, एंड स्टे ट्यून विद माय व्लॉग। सो हेलो गाइज, अब मैं देखिए नहा के आई हूँ, आप देख ही सकते हैं, एंड थोड़ा बैठ जाऊँ पहले, बैठ के बातें करते हैं। क्या तो मैं बहुत कुछ रही थी, गर्मी है गर्मी है, किचन में जाने का मन नहीं करता, लेकिन यार मैं बहुत सारी सब्जियाँ लाई थी, फ्रिज ना भरी पड़ी हैं और दोनों ही फ्रिज भरी पड़ी हैं हमारी। तो मैंने समझा यार सब्जियाँ वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, बैठ बैठ के पहले मैं काटती रही काटती रही काटती रही, ये भी बनाऊंगी ये भी बनाऊंगी। देखो पता ही आपको मैं नहीं खा सकती एक सब्जी से, तो मैंने सोचा यार अब काट भी लिया फटाफट बना ही लेते हैं। तो फिर मैंने फटाफट फटाफट केक में वो रखा, एक मेरे को देखो सब बना लिया। अब पहले आशीष गए हैं, मैगी और फ्रूटी को खाना दे देंगे, वो आराम से सेटिस्फाई हो जाएंगे, सो जाएंगे, फिर हम आराम से खा लेंगे। पहले देखो हम उनको ही फीड करवाते हैं, एक तो वो एनिमल्स हैं है ना, उनको खाना पहले देना बनता है, और ऊपर से अच्छा लगता है यार बच्चे पहले खा लेना, फिर एक माँ को तो तसल्ली तभी मिलती है। अभी देखो आराम से सो रहे हैं, परेशान तो करते नहीं हैं, कुछ बोलते तो है नहीं, लेकिन इनका रूटीन बनाया है मैंने, टाइम बनाया है। तो देखिए अभी बज रहे हैं 2, खाना लाऊँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी क्या क्या बनाया है मैंने। अभी बनाया बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की है, एक तो मैंने देख लेकिन एक बंगाली भी होती है वही खाना कि सारी सब्जियाँ आप बनाते हैं, थोड़ी तरी तरी बनाते हैं, तो मैंने वो बनाई है बंगाली खाना थे, जैसे तोरी मिक्स्ड मिक्स्ड तोरी सी, सारी सीजनल वेजिटेबल्स थी मैंने, आलू गोभी तोरी भिंडी एंड लोबिया जो होती है ना वो बड़ी लंबी वाली, वो वाली सब बनाई है, एक सब्ज़ी वो, एक साग एंड एक चावल बना लिए फटाफट, एंड बनाया मैंने मटन सैलड, बस यही बनाया, यही बनाता था यार, मेरी तो पसीने टप 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 टप, बस क्या बताऊँ फटाफट मैं नहा के आई। मैंने पहले सोचा कि नहा लेती हूँ फिर बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार अगर नहा के मैं किचन में घुसी ना तो फिर मेरी पैंट नहीं बच जाएगी, इससे तो अच्छा मैं पहले पहले खाना बना लेती हूँ फिर नहाऊँगी। अब नहा के कम्फर्टेबली आ तो गई, अब गर्मी नहीं लग रही इतनी, अब ठंड नॉर्मल टेम्परेचर हो गया बॉडी का, अब ठीक लग रहा है। देखो इनका खाना आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अभी ये जैसे कि खाना सीख गए हैं, क्योंकि फ्रूटी अब थोड़ी सी बड़ी हो गई हमारी, तो अब अलग अलग बॉल्स में देते हैं सो दैट हमें पता लगे इसकी क्वांटिटी इसने ही खाई है और इसकी क्वांटिटी इसने ही खाई है। क्योंकि होता था ना हम इसको फीड करवाते रहते थे तो मैगी तो खाती नहीं थी और ये सारा खा जाती थी उसके हिस्से का भी, है ना, तो इसलिए ना आराम से खाओ। और ये है इसके पानी का, जब ये खाना खा लेंगे इसमें डालेंगे हम ठंडा पानी, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है तो इसलिए ठंडा पानी पीते हैं हम, फ्रिज का पानी पीते हैं तो ये भी तो पीते हैं। देखो ऐसे देख के ना मुझे बहुत रिलीफ मिलता है कि हाँ इन्होंने खा लिया, अब मैं जाऊँगी, मेरी टर्न है किचन में जाने का, जूझना पड़ेगा, फिर खाना वाना करो फिर लाओ और खाओ। अभी तो आशीष ले आए थे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हेल्प तो मैं इनसे करवाती हूँ,
क्योंकि फिर इनका क्या फायदा भाई, अब हस्बैंड ने करना तो पड़ेगा सारी गर्मी, क्या मैंने ही वो कर रखी है। मैगी हेलो खाने दो नाम से, चलो मैं खाना ले आ सकती हूँ फिर आपसे मिलती। तो आज हमारे लंच का मेन्यू है मटर राइस, देखिए ये घी से बनाती हूँ मैं, और सैलेड थोड़े से, एंड ये है मटन ग्रेवी। ग्रेवी में देखिए मैंने आज मटर भी डाले क्योंकि मेरे को मटर बहुत पसंद है। तो देखिए गाइस इसी सब्जी के बारे में मैं आपसे बोल रही थी अभी कि मिक्स्ड वाली है, और ये चटनी बनाई है मैंने टमाटर और लहसुन की, और ये छाछ है, छाछ मैं पीऊँगी, ये है साग, ये भी एक साग होता है, और दही आशीष के लिए है, आशीष खाएंगे खिचड़ी और मैं खाऊंगी मटन और फ्राइड राइस। आ जाओ अपूर्व काम, ये खा चुके हैं हम, आराम से लेटे हुए हैं, देखो इनका बोल खा ली है, पेट भर गया इनका, मुंह देखिए इनका फेस देखिए गाइस, ओहो उजड़ा चमन हो रहे हैं। चलो कोई नहीं अब मैं खा लेती हूँ, हाँ स्टार्ट करो, चलो लेट्स स्टार्ट। चलो अपूर्व आ जाओ फटाफट खा लो, ठीक है ना, चलो गरम है अभी तो नहीं, ठीक है बढ़िया, अच्छा बना, फ्राइड राइस भी खा के देखना ठीक है, चलो खाना खा के मिलते हैं आपसे, चलो। One eternity later. So hey guys, देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, एंड मैं अब बोलूँगी फ्रूटी को, उसे पता नहीं है उसको इंजेक्शन लगेगी, और अब देखिए फटाफट शाम हो गई है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर डाउन हुआ होगा लेकिन बाहर अभी बहुत ज़्यादा रोशनी है, और अभी रात नहीं हुई है, 6:30 बज रहे हैं लेकिन फिर भी कोई भी चेंजेस नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत धूप चली गई बस। तो लेट ना करते हुए मास्क ले लिया हमने, और इसके लिए थोड़ी पानी की बॉटल ले लेंगे छोटी सी ठंडी, और लेते हैं फ्रूटी का, चलते हैं चलिए डॉक्टर के पास। ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रही है, है? नहीं अभी परेशान नहीं। रोटी पैसे पहले तो रेवी जी लगवाएंगे, अभी तो इसका ड्यू है, अगर आप रेवी जी लगवाना चाहें तो रेवी लग जाएगा। अच्छा हो गया, गाइस आप भी सोच रहे होंगे कहाँ से कहाँ आ गए हम, देखिए हम तो वैक्सीनेशन लगवा के सीधा घर आने वाले थे, लेकिन बीच में ये मार्केट लेके आए, मार्केट में से रास्ता था, और यार शोरूम में आई हूँ मैं कलेक्शन लेके आ जाती हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है, तो मैं हर स्टोर पे एक बार इनकी कलेक्शन डेफिनेटली चेक करती हूँ,
क्योंकि जिस स्टोर पे मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी पे से नए आर्टिकल लूँगी। और यहाँ पे आप लेते भी रहते हो? मैं लेती भी रहती हूँ और इसलिए मैं जाती हूँ यार एक्सप्लोर करने, क्या पता कौन से शॉप पे कौन सा डिज़ाइन मिल रहा है। मेरा टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट है देखिए आज फ्रूटी के कितने फ्रेंड्स हुए, सब फ्रेंडशिप कर रहे थे फ्रूटी से और फ्रूटी को सब प्यार कर रहे थे। शी इज ऑल्सो वेरी इंजॉयिंग फ्रूटी। पहली बार ये बाहर आई है, पहले फर्स्ट आउटिंग है। मैनंत 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 खेलो ये देख मत ऐसे। अच्छा सी गाइस मैंने भी छोटी छोटी शॉपिंग की, आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जो भी मैंने हॉल है मेरा। Hey guys, finally we reached home. बहुत गर्मी है बाहर सीरियसली और एसी में ही रिलीफ मिलता है। आपने देखा आज हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, गए तो हम बस फ्रूटी के वैक्सीनेशन के लिए थे, बट फ्रूटी को लिए लिए ही हमने वो पूरी मार्केट घूम ली। इनफैक्ट मैंने देखा शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी मेरे को जो भी बाहर से लग रही थी तो मैं बाहर देखने के बहाने अंदर भी चली गई, शोरूम्स में भी एक्सप्लोर करके आए, क्योंकि रीज़नेबल रेट्स में भी, अगर रेट्स का भी तो पता करना पड़ता है ना कौन से शोरूम में कितना प्राइस है कौन से शोरूम में कितना प्राइस है, तो उनके अकॉर्डिंग भी देख के आई। यहाँ बहुत अच्छे उस शोरूम में जिसमें मैं पर्टिकुलर गई थी, मैं लास्ट ईयर भी वहाँ से लाई हूँ, लेकिन मेरे को इस बार उनके कुर्ती कलेक्शन देखते देखते मेरे को लहंगे कलेक्शन बहुत अच्छे लगे और मेरे को पसंद भी आए। रेट्स भी ठीक थे, उन्होंने कहा कि आप आओ और भी अच्छी वैरायटी आएगी उनके पास, और भी अच्छे नए नए आर्टिकल्स आएंगे, आप आओ तो सही। देखिए अब टेस्ट ही मेरा ऐसा है ना तो थोड़ा हाई रेंज ही समझ में आता है भाई, तो वाई नॉट, अगर एक ही बार लेना है और मैरिज वैरिज के पर्पज़ से। तो अब मैंने आपको बताया था कि मेरे कज़न की वेडिंग आ रही है, लेकिन अभी नहीं है, हाँ थोड़ा टाइम है, तो अभी मेरे को बहुत टाइम है कि आराम से मैं शॉपिंग करूँ सोच समझ के, तो मैं शॉपिंग करूँगी, डेफिनेटली करूँगी, अब देखो कहाँ से करूँगी। एंड लाई भी हूँ मैं कुछ कुछ, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आप प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल शाइन संचिता। वैसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, चैन संचिता को प्यार देते रहिए और नेक्स्ट ब्लॉग्स का भी वेट करते रहिए। और आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा ये भी आप बताना, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं बाहर जाके कुछ वीडियोस बनाऊँ नई नई चीज़ें, लेकिन यार मैंने देखा कि 5-6 दिन हो गए और कुछ भी ब्लॉग में डाल नहीं पा रही, तो मैंने घर की ही ब्लॉगिंग दिखाई और बाहर जितना भी हो पाए मैं घूमी और वो भी शो की आपको। तो या गाइज आप बने रहिए मेरे साथ और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय, गुड नाइट।